हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, आपके लिए है बहुत 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 बड़ी खुशखबरी, जो कि आप सुनने के लिए बेताब थे, बेकरार थे, बेचैन थे, वही खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन अगर खबर आपके काम की है और मज़ा आए और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे धमाके हमारे पास आपके लिए हैं जो कि हम वीडियोज़ के थ्रू एक के बाद एक आपके लिए लाने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपको बता दें, शहनाज गिल का आने का इंतज़ार आप लोग बिग बॉस में कर रहे थे ना शायद? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के हमारी लाइव में, हमारे वीडियोस में लगातार कमेंट मिल रहे थे, लगातार आप लोग कह रहे थे शहनाज कब आएंगी। आपको बता दें कि शहनाज कौर गिल बहुत जल्द घर में आने वाली हैं, बिग बॉस हाउस का हिस्सा बनेंगी। जैसी खबरें हमारे पास आई हैं उनके अकॉर्डिंग शहनाज कौर गिल बहुत जल्द घर का हिस्सा बनने वाली हैं। अभी ये तीन गेस्ट हैं जिनके कारण TRP बहुत ऊपर जा रही है, जिसमें से मेनली सिद्धार्थ शुक्ला के कारण ऊपर जा रही है, ये बिग बॉस को पता चल चुका है। तो नेक्स्ट प्लान इज़ शहनाज गिल, गौतम गुलाटी और आसिम रियाज, ये लोग तीन लोग हैं। जैसे ही 14 डेज हो जाएंगे और ये तीनों बाहर जाएंगे, वैसे ही नए तीन जो बॉसेस हैं, जो सीनियर्स हैं, वो अंदर आ जाएंगे। एक महीने तक ये प्लान है बिग बॉस के मेकर्स का कि इसी तरह वो TRP को मेंटेन रखेंगे पुराने कंटेस्टेंट्स के थ्रू, और उसके बाद आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप बिग बॉस देखेंगे ही। एंड अगर उसके बाद भी इन्हें लगा तो ये किसी ना किसी को लाते रहेंगे। बट सेकेंड एंट्री अब शहनाज कौर गिल की होने वाली है, और आपको ये भी जानना होगा कि क्या सिद्धार्थ और शहनाज मिल पाएंगे। तो आपको बता दें, हाँ जी, मिल पाएंगे। जितनी खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी तक की खबरों के अनुसार ये निकल कर आ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला बाहर जाने वाले जब होंगे, एक दिन बचेगा तब शहनाज कौर गिल अंदर आएंगी, और एक दिन के लिए दोनों साथ में रहेंगे, और उसके बाद शहनाज गिल अंदर रह जाएंगी, सिद्धार्थ शुक्ला बाहर चले जाएंगे। अब मज़ा तो भाई उसमें भी बहुत आने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आएंगी तो भैया दोनों के इमोशंस तो खूब सामने आने वाले हैं, क्योंकि इतनी लंबी जुदाई जो दोनों को मिलने वाली है, मिलेंगे लंबी जुदाई के बाद। एंड ऑफकोर्स पोल पट्टी तो खुलने ही वाली है, दिल की बात तो जुबान पर आने ही वाली है, चाहे मुंह से ना हंसे ही, लेकिन एक्सप्रेशंस के थ्रू, आंखों के थ्रू, क्योंकि दोनों इतने दिन बाद जो मिलेंगे, और सिद्धार्थ बाहर की दुनिया में और शहनाज फिर अंदर की दुनिया में, तो एक बार फिर आ जाएगी जुदाई। लेकिन बिल्कुल भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जुदाई भी आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जाने वाली है। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला से अभी काफ़ी कुछ निकल कर आ रहा है, ऐसे ही शहनाज कौर गिल से भी निकल कर आएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लाने वाले हैं इसके बाद और भी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। टिल देन, बाय बाय।